तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं 10वीं कक्षा संस्कृत गद्य भारती का आत्मा लेसन आदि शंकराचार्य, और ये इस चैप्टर का छठा पार्ट है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं छठे पार्ट को। प्रतीयमानानेक रूपाया सृष्टि अधिष्ठानम ब्रह्म अद्वैतम रूपम अस्ति। प्रतीयमानान अर्थात आभासित होती हुई, प्रतीत होती हुई अनेक रूप, अनेक स्वरूप धारण करती हुई सृष्टि है अर्थात सृष्टि का अधिष्ठानम अर्थात आश्रयभूत ब्रह्म अद्वैत रूपम अस्ति अर्थात अद्वैत रूप है। एतदस्ति विश्व बंधुत्व भावनायाः बीजम्। एतद अस्ति यानी कि यह विश्व बंधु की भावना का बीज है, मूल है। अस्याः भावनायाः पल्लवेन न केवलम् एक राष्ट्र वृक्षः संबध्यते अपितु जाति क्षेत्रादि मूला उच्चावच भावरूपा संकीर्णता समुलोच्छिना भवति। इसकी भावना अर्थात इस भावना के पल्लव नेन अर्थात प्रसार से न केवल एक राष्ट्र रूपी वृक्ष की वृद्धि होगी अपितु बल्कि जाति मूलक और क्षेत्र मूलक उच्चावच यानी कि ऊंच नीच की भाव रूप अर्थात भावना की संकीर्णता समूल अर्थात मूल सहित जड़ से नष्ट होगी या जड़ सहित नष्ट हो जाती है। एतस्या राष्ट्रीय भावनायाः पुष्टत्वं स्वदेशस्य चतसृषु दिक्षु चतुर्णा वेदांतपीठान स्थापनान चकार। एतस्या यानी कि इस राष्ट्रीय भावना की पुष्टि के लिए उन्होंने अपने देश के चारों दिशाओं में चतसृषु दिक्षु अर्थात चारों दिशाओं में चार चतुर्ण अर्थात चार वेदांत पीठ की रचना की। मैसूर प्रदेशे श्रृंगेरी पीठम, पुरियाम गोवर्धन पीठे, बद्रिकाश्रमे ज्योतिष पीठम, द्वारिकायांच शारदा पीठम, सांप्रतमपि राष्ट्र समुत्तय समुन्नत्तय लोकहित साधनाय चाद्वैतमतस्य प्रचारे अहर्निशम प्रयतमानानि सन्ति। अर्थात मैसूर प्रदेश में श्रृंगेरी पीठ, पुरियाम अर्थात पुरी में गोवर्धन पीठ, बद्रिकाश्रम में ज्योतिष पीठ और द्वारिका में शारदा पीठ, सांप्रतमपि अर्थात अब भी राष्ट्र समुन्नति अर्थात राष्ट्र की उन्नति के लिए चाहे यानी कि और लोकहित की साधना के लिए अर्थात संसार का कल्याण करने के लिए अद्वैत मत के प्रचार में अहर्निशम अर्थात दिन रात प्रयत्न मानानी संति अर्थात दिन रात प्रयत्नशील अर्थात दिन रात लगे हुए हैं। निष्काम कर्मयोगी शंकर यद्यपि अल्पायुरासित किंतु तस्य कर्माणि अत्युत्कृष्ट भाष्य ग्रंथाः अनेके मौलिक ग्रंथाः अद्वैत सिद्धांतश्चैनं अनुक्षणं स्मारयन्ति धन्यः खल्वसौ महनीय कीर्तिः जगद्गुरुः भगवान शंकरः। निष्काम कर्मयोगी शंकर भले ही यद्यपि अर्थात भले ही अल्प आयु के थे लेकिन उनके कार्य उनके कर्म अत्युत्कृष्ट अर्थात अत्यंत उत्कृष्ट अर्थात उत्तम भाष्य ग्रंथ अर्थात टीकाएं अनेक मौलिक ग्रंथ और अद्वैत सिद्धांत इसकी एनम अर्थात इसकी अनुक्षणम यानी कि प्रत्येक क्षण स्मारयंती अर्थात याद दिलाते हैं। धन्य खलवसु महनीय कीर्ति ही जगद्गुरु भगवान शंकर। धन्य अर्थात धन्य है, महनीय कीर्ति ही अर्थात महान कीर्तिशाली जगद्गुरु भगवान शंकर, खलु अर्थात निश्चय ही और असौ यानी कि है धन्य है। तो निश्चय ही महान कीर्तिशाली जगद्गुरु भगवान शंकर धन्य है। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।